हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले से एक ही चीज़ पर बहुत सारी कमेंट आ रही हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आ रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि सेमेस्टर बैक में ऑल सब्जेक्ट के बैकलॉग एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं या फिर एक सब्जेक्ट का। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट है कि हमें अगर सेम बैक लगती है तो सभी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन हमें देना पड़ता है बैकलॉग वाले, या फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट का। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका यह डाउट क्लियर हो जाएगा और साफ साफ आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करें सेमेस्टर बैक की, तो दोस्तों सेमेस्टर बैक दो टाइप की लगती हैं, दो कारण से लगती हैं। पहला कारण ये है कि आप लोग एग्जामिनेशन के दौरान अपना UFM केस बनवा लेते हो, नकल प्रकरण वगैरह करके, तो फिर आपको सेमेस्टर बैक दे दी जाती है। दूसरा कारण यह है कि आप लोग फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं कर पाए हो, जिसके कारण थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिल रहा है। फिफ्थ सेमेस्टर सेमेस्टर बैक लोग कह सकते हैं कि आपको करंट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन नहीं देने दिए जाएंगे, अगली बार देने दिए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट कारण पर डिस्कस करते हैं कि यार, आपको अगर UFM बना है तो सभी सब्जेक्ट में आपको बैकलॉग एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। चाहे एक सब्जेक्ट में UFM बना हो या फिर दो हैं, आपको सभी सब्जेक्ट में बैकलॉग एग्जामिनेशन देना पड़ेगा अगर आपको UFM लगा है, सेमेस्टर बैक हुआ है तो। और जो दूसरा कारण है कि यार, आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है, जिसके कारण आपको थर्ड ईयर में एलिजिबल नहीं कर रहे हैं, मतलब कि दोस्तों थर्ड ईयर में एलिजिबल नहीं कर रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, तो जो आप लोग सेम बैक का नाम दे रहे हैं वो एक प्रकार से सही है, क्योंकि आप लोग एक सेमेस्टर पीछे जा रहे हैं अपने क्लासमेट्स के अकॉर्डिंग। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो बोलते हैं सेमेस्टर बैक का, वो कहना तो सही है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन ऑल सब्जेक्ट के नहीं देना पड़ेगा, जो कि आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है। कारण यह है कि M2 क्लियर नहीं है, ED नहीं है, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर का अटका है, जिसके कारण आपको थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको फिफ्थ सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक नहीं लगेगी, लेकिन आपको फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन करंट में नहीं देने दिए जाएंगे, अगले सेमेस्टर में आप लोग दे सकते हैं अगर कॉलेज अलाउ करता है तो। जब आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर लेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपका अटका हुआ है M2 ED, एक सब्जेक्ट जो भी अटका हुआ है या फिर जितने भी सब्जेक्ट अटके हुए हैं, उनको आप क्लियर जैसे ही करते हैं तो आपको थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के लिए अलाउ कर देंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों का जितना भी सब्जेक्ट अटका हुआ है सिर्फ उसी को क्लियर करना पड़ेगा, और आगे के जो भी सेमेस्टर आने वाले हैं, आपके करंट सेमेस्टर है, उनके एग्जामिनेशन आपको बाद में देने को मिलेंगे। तो दोस्तों, फोकस करें कि जितना भी आपको बैकलॉग है वो जल्द से जल्द क्लियर कर ले। एग्जामिनेशन कुछ ही दिन बाद होगा, नवंबर दिसंबर में, तो उसमें क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का रेवोल्यूशन का चैलेंज का रिजल्ट प्रोसेस बचा हुआ है, उसके बाद ही आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि आप लोग पास हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, UFM वाले के लिए ऑल सब्जेक्ट में सेमेस्टर बैक लगता है, मतलब कि ऑल सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, और जिसका UFM नहीं बनता है उसको एक ही सब्जेक्ट में या फिर जितने भी सब्जेक्ट में बैकलॉग हो उतने सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देना पड़ता है बैकलॉग का। तो दोस्तों, आई होप मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।